हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ एक नई सी रेसिपी जो काफ़ी इजी एंड सिंपल सा है और खाने में एकदम मज़ेदार। तो चलिए आज हम बनाते हैं हनी क्रिस्पी चिकन, वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल से। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक हनी क्रिस्पी चिकन के लिए बोनलेस चिकन ले लिया है। तो उसको इस तरह से मैंने छोटे छोटे पीस में लंबे लंबे शेप में मैंने इसको काट लिया है। तो उसको एक बाउल में डाल देंगे। उसके ऊपर हम लोग को कश्मीरी मिर्च, ब्लैक पेपर, सोया सॉस और एग डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और सॉल्ट और कॉर्नफ्लावर भी मैंने ले लिया है। तो उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है कुछ इस तरह से। और जो ये रेसिपी है ना, ये बहुत इजी एंड सिंपल सा रेसिपी है, बस आपको कुछ ही मिनट्स में पक जाएगा आराम से। तो इसको मैंने मिक्स कर लिया है। तो इसको आप छोड़ देंगे कुछ टाइम के लिए। तो तब तक अब हम लोग ऑयल गरम कर लेंगे क्योंकि उसको फ्राई करना है। तो मेरा ऑयल डाल दिया है और आफ्टर 15 मिनट्स ये देखिए रेडी हो चुका है। इसको एक एक करके अब हम लोग को फ्राई करना है। तो आप कुछ इस तरह से दूर दूर में डाल दीजिएगा कि वो चिपक ना जाए, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो इसको अच्छे से हम लोग को डीप फ्राई करना है। और जो कोई भी मेरे चैनल पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा एंड कमेंट भी कर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा ये रेसिपी और मेरा वीडियो। तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये देखिए फ्राई हो चुका है। आपको ज़्यादा डार्क नहीं करना है, जब तक वो क्रिस्पी नहीं हो जाता या फिर पक नहीं जाता है तब तक सिर्फ आपको ये फ्राई करना है। तो मेरा फ्राई हो चुका है चिकन। तो बाकी का चिकन भी आप सेम इसी तरह से फ्राई कर लीजिएगा। ये देखिए बहुत क्रिस्पी सा फ्राई हुआ है। और मैंने इसमें ऑयल ले लिया है दूसरे पैन में। तो इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ जिंजर, गार्लिक और ग्रीन चिल्ली, उसको थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे हम लोग कुछ इस तरह से, देखिए। और उसमें मैंने डाल दिया है चिल्ली सॉस, सोया सॉस और टोमेटो सॉस। टोमेटो सॉस मैंने 2 टेबलस्पून डाला है, बड़ा वाला स्पून से मैंने 2 टेबलस्पून मैंने डाला है। उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए अच्छे से बॉईल हो रहा है ये। और उसके ऊपर मैंने हनी डाल दिया है, 2 टेबलस्पून हनी डाला है मैंने। कम ज़्यादा जो होता है मसाला वो आपके हाथ में है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने विनीगर डाल दिया है 2 टेबलस्पून और थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया है। उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ये मसाला को। तो थोड़ा सा सॉल्ट आप कितना खाते हैं वो हिसाब से आप डाल दीजिए। और उसके बाद हम लोग ने जो वो चिकन फ्राई किया था उसको अब डालना है। अच्छे से उसको मिक्स कर लीजिए। ये काफ़ी टेस्टी एंड सिंपल सा रेसिपी है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, कम नहीं टाइम में ये अच्छे से बन जाता है। तो प्लीज़ आप भी एक बार ट्राई कीजिएगा घर में। तो अब ये मेरा फ्राई हो चुका है, अब मैं इसको सर्व करूँगी। ये देखिए लग रहा है ना रेस्टोरेंट स्टाइल का। तो अगर घर ही पे आप बना सकते तो फिर रेस्टोरेंट में जाके क्यों खाना है। तो ऊपर से मैंने गार्निश करने के लिए मैंने व्हाइट सेसमिन सीड्स डाल दिया है, तिल
और उसके ऊपर मैंने 1 टेबल स्पून हनी डाल दिया है। ये देखिए अब ये रेडी हो चुका है। देखिए कितना यम्मी लग रहा है ना, मैं तो खा रही हूँ। अगर आपको भी खाना है तो प्लीज़ आप बनाइए और ट्राई कीजिए। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।